आखिर सब मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहते हैं, कोई उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहता है? अभी हाल ही में आपने देखा होगा कर्नाटक में इलेक्शन हुए, मुख्यमंत्री बनने की होड़ चालू हो गई। डीके शिव कुमार भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, सिद्धरमैया भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, कोई उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? आप तो यही कहोगे सर के मुख्यमंत्री बड़ा होता है, मुख्यमंत्री को सबसे पास हर चीज का पावर होता है, लेकिन नहीं, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से मत चलिए। उप मुख्यमंत्री के बारे में लोग क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, इस पर देखिए। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी में मत चलिए। तो आखिर, और अभी 4 साल पहले राजस्थान में इलेक्शन हुए, तब भी सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आखिर उप मुख्यमंत्री बनकर भी सचिन पायलट सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने अपने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। तो उप मुख्यमंत्री कोई क्यों नहीं बनना चाहता है, लोग क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, ये देखेंगे अपन। देखिए, भारत का संविधान सबसे पहले मैं बता देता हूं, आर्टिकल 164। भारत के संविधान में आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री का ही प्रावधान है, कहीं पर भी उप मुख्यमंत्री का जिक्र तक नहीं है। संविधान में सिर्फ मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है, उनके मंत्रीगण के बारे में बताया गया है, उप मुख्यमंत्री के बारे में संविधान पर कोई जिक्र नहीं है। तो फिर ये उप मुख्यमंत्री का शब्द पद आया कहां से? कहीं नहीं से आया है, ये इन राजनीतिक पार्टियों ने उप मुख्यमंत्री का पद अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोगों को दबाने के लिए दिया गया है। सिर्फ एक लॉलीपॉप देते हैं कि आपको उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, परंतु उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं होता है, ना कोई एक्स्ट्रा सैलरी होती है, ना कोई एक्स्ट्रा विभाग होता है, ना कोई एक्स्ट्रा पावर होता है, सिर्फ एक मंत्री की बराबर पावर होता है। उप मुख्यमंत्री को सारी बातें मुख्यमंत्री की माननी पड़ती है, तो इसीलिए कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता है, क्योंकि उनको पता है उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर क्या होगा, एक मंत्री के रूप में ही होगा, मंत्री के रूप में ही भत्ते मिलेंगे, मंत्री के रूप में ही पावर मिलेंगे, कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं मिलेगा, इसीलिए कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता है, सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और आपको पता है भारत का पहला उप मुख्यमंत्री कौन था? 1953 जब आंध्र प्रदेश बना, तब नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री बने, आंध्र प्रदेश के ही नहीं, भारत के पहले उप मुख्यमंत्री बने। और यही बात उप प्रधानमंत्री में भी लागू होती है। पता है आपको उप प्रधानमंत्री भी कोई क्यों नहीं बनना चाहता है? आर्टिकल 75 कहता है कि संविधान में उप प्रधानमंत्री का भी कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके मंत्रीगण के बारे में बताया गया। तो वही पावर उप प्रधानमंत्री को ही मिलते हैं जो एक मंत्री को मिलते हैं, जो एक मंत्री को भत्ते, जो सारी सुविधाएं मिलती है वही उप प्रधानमंत्री को मिलती है। तो उप प्रधानमंत्री का भी कोई भी जिक्र भारत के संविधान में नहीं है, तो उप प्रधानमंत्री को एक्स्ट्रा पावर कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा, सिर्फ नाम मात्र के होते हैं। और ये उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं, पार्टी में लोग झगड़ते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो इन मुख्यमंत्री में होड़ बढ़ने की होड़ को दबाने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, एक दूसरे को लॉलीपॉप देने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। बाकी ध्यान रखना, उप मुख्यमंत्री का संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है।